हेलो एवरीवन, एक तरफ जहां हम सब लोग इस बात से परेशान हैं कि शायद दोबारा लॉकडाउन हो, दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया है जहां के लोग इस बात से परेशान हैं कि अगर लॉकडाउन हो गया तो दारू कहां से मिलेगा। तो इसके लिए वो लोग अपना अपना सारा महीने भर का राशन लेने के लिए ठेके पे पहुंच चुके हैं। दारू लेने के लिए आए इसलिए कि अल्को है। हम लेने आए एक बोतल दो कौए, इसलिए लेने आया कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। अच्छा, कितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे। जनरल शराबी है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कभी डोज नहीं ली दूसरी, ये लेती हूँ एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। एक हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, बस ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। ये आंटी जी इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि इन्होंने अपना मास्क नाक के ऊपर पहनना भी जरूरी नहीं समझा। इतना कॉन्फिडेंट इंसान में कहाँ से आता है? इतना कॉन्फिडेंट इंसान में तब आता है जो वो डेली का एक पैक रात को या सुबह ज़रूर लेता है। आप आंटी जी के कहे अनुसार चलिए, आपको कोविड तो क्या, मौत छू भी नहीं पाएगी। कोविड तो बहुत दूर की बात है, लास्ट 35 साल का तजुर्बा है इनका, गलत नहीं हो सकता। आजमा के देख लीजिए, ये तो गई अपने ठेके पे अपने पूरा लॉकडाउन का जुगाड़ बिठाने के लिए। और पीछे इनके खड़े भाई साहब को देखिए, ये कैसे आंटी जी की बात पे मोहर लगा रहे हैं कि हाँ 35 साल का तजुर्बा है, गलत नहीं हो सकता। ये तो गए, आप भी चलिए, सारी दिल्ली लाइन लगा रही है।